हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। तो चलिए आज बात करते हैं उन एस्पिरेंट की जिन्हें आगे चल के टीचर बनना है और जिनकी हॉबी टीचिंग है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बीएड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके बाद आपको टेट या सीटेट एग्जाम क्लियर करना मैंडेटरी है, जिसके बिना आप प्राइमरी या जूनियर लेवल्स को नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर आपने सीटेट एग्जाम क्लियर किया है तो आपको किसी भी स्टेट का टेट नहीं देना पड़ेगा और आप डायरेक्टली टीचर बन सकते हैं। पर अगर आपने सीटेट एग्जाम नहीं क्लियर किया है तो आपको स्टेट टेट देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको यूपी टेट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसी के बाद आप प्राइमरी या जूनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूपी टेट 2019 का टेंटेटिव डिटेल्स सरकारी जेट पर अवेलेबल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पॉपअप विंडो खुला हुआ है ये है www.sarkarirezult.com। जब आप टाइप करेंगे तो ये विंडो ओपन होगा, जिसमें इन्होंने sarkarirezult.com में इन्होंने वेरियस लाइक रिजल्ट्स, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन दे रखा है। तो इसमें अगर आप नंबर 1, 2, 3, 4 पे जाएंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन है यूपी टेट 2019 ऑनलाइन फॉर्म। तो इस पर क्लिक करने के बाद इन्होंने दिखाया कि नेम ऑफ द पोस्ट यूपी टेट 2019 ऑनलाइन फॉर्म, देन पोस्ट डेट। ये जो नोटिफिकेशन है ये सरकारी रिजल्ट पे 18 अक्टूबर 2019 को ही पोस्ट कर दिया गया था। अब हम जान लेते हैं इनमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी टीईटी 2019 के लिए। तो जो नोटिफिकेशन इशू होगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी बेसिक अधिकारी उस पर जो एजुकेशन पे जो उस पर जो नोटिफिकेशन इशू होगा ऑफिशियली, वो होगा 1 नवंबर 2019 को, और जो एप्लीकेशन बिगिन होगा वो भी 1 नवंबर 2019 से स्टार्ट होगा, और जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो रहेगी 20 नवंबर 2019। इसके बाद जो आपको पे करनी होगी एग्जाम फी, उसकी जो लास्ट डेट है वो 21 नवंबर 2019 है, और अगर आपको फॉर्म कंप्लीट करना है तो उसकी जो लास्ट डेट है यानी 22 नवंबर तक आपको पूरा फॉर्म कंप्लीट करना है। अब बात कर लेते हैं अगर एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट जो इस पे दे रखी है वो 22 दिसंबर 2019 है, जो कि टेंटेटिव डेट है। इसमें जो चेंज हो सकता है तो इसे आप एक फाइनल डेट ना माने, ये भी टेंटेटिव डेट है। अब एडमिट कार्ड अवेलेबल जो है वो होगा दिसंबर 2019 से, और जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो मोस्ट प्रोबली जनवरी 2020, ये भी एक टेंटेटिव डेट्स हैं। अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो ये ऑल दीज आर ओनली टेंटेटिव डेट्स। तो अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की, जो एप्लीकेशन फी वो भी टेंटेटिव है, इसमें भी चेंज हो सकता है। तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन फी है वो 500 रुपीज़ है, एससी एसटी के लिए 300 रुपीज़। तो ये जो एप्लीकेशन फी वो भी टेंटेटिव है। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी लेवल या जूनियर लेवल पे, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो प्राइमरी लेवल पे आपको 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए और आपका मिनिमम परसेंट 50 मार्क्स होना चाहिए, या बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम विद बीएड डिग्री। तो इसमें आप किसी भी अगर एलिजिबिलिटी को एलिजिबल हैं, आपके पास हैं इनमें से कोई भी एलिजिबिलिटी, तो आप प्राइमरी लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करेगा जूनियर लेवल की, तो जूनियर लेवल में भी आपको बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो 50% होना चाहिए आपका बीएससी या एमएससी में या बीएएमए में, और आपको बीएड भी एग्जाम पास होना जरूरी है। इसके अलावा आप 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम 50% मार्क्स के साथ या बीएड 4 ईयर भी अगर आपने किया है तब भी आप जूनियर लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अब देख लेते हैं कि जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन वो कब स्टार्ट होगा। तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 1 नवंबर 2019 से स्टार्ट होगा, और जो डाउनलोड नोटिफिकेशन वो भी यानी कि 1 नवंबर 2019 से आपको एग्जैक्ट डेट्स पता चल जाएंगी कि एप्लीकेशन कब बिगिन होगा, कब लास्ट डेट इसका है, कि इसका एप्लीकेशन फी क्या है। तो 1 नवंबर 2019 को आपको इसके बारे में पूरी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके जैसे ही इसका क्लियर कट इन्फॉर्मेशन 1 नवंबर को आता है, तो उसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें एग्जैक्ट नोटिफिकेशन, एग्जैक्ट एप्लीकेशन बिगिन डेट या लास्ट डेट कब है उसकी, या उसका एग्जाम डेट कब है, और उसका जो एप्लीकेशन फी है वो कितना है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो पूरी एग्जैक्ट करेक्ट होगी। तो मैं आपको 1 नवंबर के बाद एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके, धन्यवाद, वंदे मातरम।